नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। दोस्तों अगर आप कोई भी सैमसंग का टैबलेट यूज करते हो तो मैं बताऊंगा आपको किस तरह से आप अपने टैबलेट में 3 ऐप्स को एक साथ ओपन करके यूज कर सकते हो स्प्लिट स्क्रीन में। और यहां पे आप 4 अलग अलग लेआउट में 3 ऐप्स को एक साथ यूज कर सकते हो। तो 4 अलग अलग लेआउट कौन से है वो भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि स्प्लिट स्क्रीन का मतलब होता क्या है। आपको यहाँ पे जाकर ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू करना पड़ता है और फिर यहाँ पे दूसरा जो ऐप है आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। इस तरीके से आप 2 ऐप्स को एक साथ ओपन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपको 3 ऐप्स को यूज करना हुआ स्प्लिट स्क्रीन में तो आप वो भी कर सकते हो। एक साथ 3 ऐप्स यहाँ पे शो होंगे और यहाँ पे आप 4 अलग अलग लेआउट में उन्हें यूज कर सकते हो। पहला लेआउट है, यहाँ पे एक ऐप होगा और यहाँ पे ऊपर नीचे 2 ऐप्स होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपने एज पैनल इनेबल किया होगा आपको उसे ओपन करना है और आपको जो भी ऐप तीसरा जो ऐप ओपन करना है आपको यहाँ पे लॉन्ग टैप करना है और यहाँ पे ड्रैग करके ऊपर या फिर नीचे ऐसे ड्रॉप करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से 3 ऐप्स एक साथ स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हुए हैं। ये है पहला लेआउट। अब जो दूसरा लेआउट है वो ऐसा है कि एक ऐप यहाँ पे होगा और 2 ऐप्स ऊपर नीचे यहाँ पे होंगे। तो आपको सेम वही करना है, आपको जाना है एज पैनल पे, किसी भी आपको आपको ड्रैग करना है और आप ऊपर या फिर नीचे ड्रॉप कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक ऐप है और यहाँ पे 2 ऐप ऊपर नीचे। इस तरीके से यहाँ पे 3 ऐप्स ओपन हो चुके हैं स्प्लिट स्क्रीन में। तो ये है दूसरा लेआउट। अब जो तीसरा लेआउट है उसमें आपको ऊपर में एक ही ऐप मिलेगा यहाँ पे और नीचे में 2 ऐप्स होंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे लेफ्ट और राइट में। तो उसके लिए आपको केवल एक ही ऐप को ओपन करना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने प्ले स्टोर को ओपन किया है और फिर आपको 2 ऐप्स को जो है एज पैनल से ही ओपन करना है। और आपको यहाँ पे किसी भी ऐप को ओपन करना है, दूसरे ऐप्स को ड्रैग कीजिए, ड्रैग करके आपको नीचे में प्लेस करना है, ड्रॉप करना है। इस तरीके से ऊपर नीचे यहाँ पे दोनों ऐप्स ओपन हो चुके हैं। अब तीसरे ऐप्स को ओपन करने के लिए आपको वही सेम तरीका करना है। अब माय फाइल्स को आप करिए किसी भी ऐप को और यहाँ पे आपको यहाँ पे या फिर यहाँ पे लेफ्ट या फिर राइट में आपको उसे प्लेस करना है, ड्रॉप करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक ऐप ऊपर है और दोनों ऐप लेफ्ट और राइट में इस तरीके से प्लेस किए हुए हैं। ये है तीसरा लेआउट। और जो चौथा लेआउट है उसमें आपको ऊपर में 2 ऐप्स मिलेंगे लेफ्ट और राइट में और नीचे में एक ऐप मिलेगा। तो उसके लिए आपको वही तरीका करना है, एच मेल में आपको किसी भी ऐप को ओपन करना है और आपको यहाँ पे ऊपर में प्लेस करना है, प्ले स्टोर नीचे है, ठीक है। और तीसरे ऐप को ओपन करने के लिए आपको वही तरीका अपनाना है और अब आपको यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे या फिर यहाँ पे प्लेस करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में 2 ऐप्स है और नीचे में एक ऐप है। इस तरीके से आप यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन में 3 ऐप्स को एक साथ यूज कर सकते हो, वो भी 4 अलग अलग लेआउट में। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।